मेरे वालों सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासर जमील हाजरे खिदमत है, और अज दी गल जिहड़ी है वह मजहबी तसुब दी उस एक मिसाल दी है, एक ऐसे कम दी है, एक ऐसे इश्तहार दी है और ऐसी जहनीयत दी है जिहदी वजह नाल जिहड़ा पाकिस्तान दा झंडा है उहदा सफेद हिस्सा जिहड़ा है उहनूं वक्तन फवक्तन वेले वेले दे नाल जिहड़े चंद घटिया दिमाग दे अनासर ने या कुछ इदारियां दे विच बैठी हुई कालियां भेड़ां ने जिन्हां दे कोल इख्तियार है, वह उस चिट्टे हिस्से नूं, उस सफेद हिस्से नूं, उस पकीजगी दे निशान नूं, उस अकलीयतां दे निशान नूं, झंडे दे उस हिस्से नूं हमेशा दागदार करन दी कोशिश करदे ने। नाज़रीन, चंद दिन पहलों एक इश्तहार जिहड़ा है वह अखबार दे विच आया और उहदे विच एक सरकारी इदारे ने अपने लिए रिक्रूटमेंट्स यानी सिपाही वगैरह ये वो जिहड़े ने वो भर्ती करन दी गल कीती और उहदे च एक जॉब जिहड़ी सी उह सी खाकरोब दी, सफाई करन वाले दी, सेंट्री वर्कर दी जॉब सी। वह जॉब जाहिर है इदारे जिहड़े ने वो लोगों नाल चलदे ने और उहदे च हर तरह के काम करन वाले लोग चाहिए हुंदे ने, लेकिन मजहबी तासुब दी बुनियाद उत्ते उस इदारे दे किसी हैड ने, मैं समझना जाहिर है इदाराती पॉलिसी तो इस तरह नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के अकलीयतां जिहड़ियां ने उन्होंने वास्ते मजहबी तासुब की बुनियाद उत्ते या मजहबी मुनाफरत की बुनियाद उत्ते या मजहबी इख्तलाफ की बुनियाद उत्ते जिहड़ा है वह तो इस तरह का जिहड़ा है तासुब नहीं किया जा सकता। लेकिन लाजमी तौर पर मैं समझना कि किसी एक शख्स ले या किसी जिहड़ा कोई हैड है जिन्हों उत्थे चाहिए ने उहदी दिमाग की जिहड़ी है उहदे दिमाग का जिहड़ा गंदा कीड़ा है उहदी वजह नाल इस तरह होया, जिहदी वजह नाल तमाम मुल्क और मुल्क तो बाहर रहने वाली जिहड़े मसीह अकलीयतां ने खास तौर पर, लेकिन पूरी अकलीयतां लेकिन खास तौर पर मसीह अकलीयतां जिहड़ी ना उन्हां दा दिल दुखिया और उहदे च लिखिया गया सी खाकरोब या सेंट्री वर्कर और अगे लिखिया सी सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ मसीही। मैं समझना कि अगर जिहड़ा है मसीही होना और सफाई करन वास्ते तुसीं उहनूं परफेक्ट समझदे हो, मसीह अगर तुसीं सफाई वास्ते जिहड़े ने या अकलीयतां दे लोग नूं परफेक्ट समझदे हो तो पूरा पाकिस्तान जिहड़ा है उहदी सियासी, उहदी समाजी, उहदी कानूनी और उहदी हर तरह की गंदगी साफ करन वास्ते ला दिओ अकलीयतां नूं और तुसीं मौजां माणो। तुसीं तमाम सरकारी इदारे दे हैड जिहड़े नूं क्रिश्चियन लाओ ताकि वह जिहड़ी गंदगी उत्थे इदारियां दे विच जिन्हां दी वजह नाल इस तरह दे इश्तहार दित्ते जांदे ने उहनां दा दिमाग दुरुस्त किया जाए, क्योंकि तुहानूं पता ही है ना कि असी ते बानिए पाकिस्तान नूं भी असी पढ़ाया और अज भी जिहड़ा साडा वज़ीर आज़म यानी इमरान खान है उन्हूं भी असी साडी मिशनरी स्कूलों ने पढ़ाया। तुसीं सानूं जदों ये जिहड़े जदों पाकिस्तान बनिया सी ते जिहड़े ट्रेनां दे विच कट्टे फट्टे जख्मी विचारे उस वक्त दी अकलीयत जिहड़े सन, हिंदुस्तान दी अकलीयत मुसलमान जिहड़े सन जदों पाकिस्तान तशरीफ लियाए तो उहनां दे फट्टां दे उत्ते, उहनां दे जख्मां दे उत्ते जिन्हां ने मरहम रख्या सी वह मसीही नर्सां ते मसीही डॉक्टर सन। अज तुसीं मसीह हॉस्पिटलों के उत्ते कब्जे कर रहे हो, मसीह इदारियों के उत्ते कब्जे कर रहे हो, मसीह स्कूलों के उत्ते कब्जे कर रहे हो, क्यों नहीं कहिंदे कि इन्हां दी सफाई वास्ते भी उन्होंने वापस करो ताकि उत्थे जिहड़े पढ़न वाले उन्होंने दिमाग नूं साफ किया जाए। मैं समझना कि सफाई कोई बुरा काम नहीं है, सफाई तो वैसे भी इस्लाम दे विच निसफ ईमान, अकलीयतां दे विच तो नहीं निसफ ईमान, अकलीयतां दे विच तो असीं पूरा ईमान ही समझने हैं क्योंकि असीं समझने हैं इद्दां ईमान नहीं, पाकीज़गी जिसमानी होवे, रूहानी होवे, ज़हनी होवे, वह पहलों ज़हनी गंदगी की मिसाल तुसी इत्थों ले लो और ज़हनी गिरावट का लैवल लेवे कि एक शख्स ने अटक दे विच साड़ी एक भैन ने श्री असलम साहिबा वह बहुत अच्छी साड़ी मसीह एक्टिविस्ट है और उन्होंने उन्होंने नाल दूसरा वाक्या होया, पहलों उन्होंने नाल बदतमीजी की गई, उन्होंने पार्टी दे विच एक गंदे दिमाग के आदमी ने उन्होंने नाल बदतमीजी की और उन्होंने गाली गलोच किया, यह दिमागी गंदगी जाहिर हुंदा है और उहदे च जिहड़ी जिहड़े ने मजहबी हवाले नाल जिहड़ियां ने गाली गलोच दित्तियां गईयां, असी उहदे ते भी आवाज़ उठाई लेकिन बहरहाल असी इहनूं कोई कौमी लैवल दा मसला नहीं बनाया। साडियां धीआं भैणां दे विच और साडे लोगां दे विच, साडे भरावां दे विच इह अहलीयत मौजूद है क्योंकि साडा दिमाग साफ है, असी इस करके जिहड़े गंदे दिमाग दे लोग ने उहनां दी गल नूं एड्डी अहमियत नहीं दिंदे। लेकिन जदों कोई नैशनल या इंटरनैशनल लैवल दी किसी तकरीब च किसी स्टेज ते खलो के कहेगा तां असी उहदे मूंह ते जरूर चपेड़ मारांगे।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਸਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਯੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਤੀਨ ਦਿਨ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਗਾ ਤੋ ਯੇ ਤੋ ਵੋ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਸਾਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ नीट एंड क्लीन रखते हैं इनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि किसी इस यहाँ पे मैं आपको खामोश करूंगी हमारा काम सिर्फ सफाई करना नहीं है मुसलमान भी सफाई कर रहे हैं 50-60% मुसलमान सफाई कर रहे हैं बाकी क्रिश्चियन है ये और बात है कि हमारे ऊपर थोप दिया गया ये कि हम नहीं करना है और हमारे लोगों ने हेल्थ में बड़ी परफॉर्मेंस की है हमारे ने एजुकेशन में हमने बड़े मार्काए अंजाम दिए तो मैं समझती हूँ जब भी पता नहीं कोई मेजोरिटी कम्युनिटी का बंदा बोलता है वो ये क्यों कहता है कि जी ये हमारी सफाई करते हैं ये हमारे घरों और उत्ते शीरी असलम ने जरा जवाब दिता है वो मेरे लिए बहुत फख्र की गल है मैं समझना कि शीरी असलम शाबाश और मैं समझना कि पाकिस्तान की हर जड़ी साड़ी धी है शीरी असलम वांगू इन्हों के मुँह तो चपेड़ा मारेगी तो फिर इन्हों समझ आएगी सफाई करना बुरी गल नहीं है मैं तो समझना कि जिवें तुसीं सानूं 5% कोटा बाकी जॉब्स से दिता है तुसीं सफाई च भी सानूं 5% ही दिओ 95% जिहड़ा है वह साडे इस्लामी भैन भरावां नूं मुसलमान भैन भरावां नूं दिओ और मैं समझना कि दिनेश कुमार साहब जिहड़े ने उन्होंने ठीक की है गलबात जरा दिनेश कुमार साहब की गलबात सुनो कारपोरेशन के हवाले से ये बहुत ही अहम इशू है जनाब इतना अहम इशू है आप सोचें ये देखें ये जब बैरून मुल्क जाता है तो हमारे जो ना सर शर्म से झुक जाते हैं म्यूनसिपल ऑफिस ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास जरूरत बराए मुलाजमत ये आज से एक माह पहले अखबारों में इश्तेहार आया है सैनिटरी वर्कर्स के लिए क्या लिखते हैं कि मुतलका वार्ड की गली मोहल्लों की सफाई सुथराई नाली नालियों की सफाई और गटर लाइनों की सफाई करने वाले तजर्बेकार सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम प्रोफेशनल इस भंगीगिरी के मौजू के लिए सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम ये इंतहाई शर्म की बात है ये इस तरह से जो खुल्लम खुला देकर अकलियती बिरादरी पर गैर मुस्लिम बिरादरी पर यह थोपा जाता है मैं कहता हूं यह बाहिस शर्म है और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे ऑफिसरान मेरे सिंध के भी दोस्त यहां बैठे हुए हैं इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए हम गैर मुस्लिम पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं हमारे बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे हमारे बच्चे तहसीलदार बनेंगे हमारे बच्चे ये नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए सिर्फ ये खाकरों की पोस्ट हो मैं तो हैरान हूं कि सफाई नसफ ईमान तो इस्लाम में हमारे मुस्लिम भाई भी अगर हमारी दूसरी मुलाजमतों में 5% कोटा है तो खाकरों में भी 5% कोटा होना चाहिए 95% कोटा हमारे मुस्लिम भाइयों का होना चाहिए इसमें और उन्हें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए मेरे मौलवी हजरात भी है मुझे बताएं कि कहां कोई इस्लाम में लिखा हुआ है कि खाकरों भी का सिर्फ काम गैर मुस्लिम करेंगे हमारे तस्लील की जा रही है और मैं कहता हूं इस पर एक्शन लिया जाए चीफ सेक्रेटरी सिंध को बुलाया जाए और यह सिर्फ चीफ सेक्रेटरी सिंध को नहीं मैं पहले पंजाब गवर्नमेंट ने भी ऐसे किया था हर जगह पर यह किया जा रहा है और मैं आपको एक इंकशाफ कर रहा हूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई इसमें भर्ती हुए हैं वो आधी तनख्वाह देकर हमारे गरीब क्रिश्चियन भाइयों और हमारे जो अकलियती भाई उनको अपने एफजी के तौर पर रख रहे हैं इस पर एक मैं कहता हूं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो इन चीजों को देखे ये चीजें हमें बैनुलकामी तौर पर बदनाम कर रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार साहब असीं तुहानूं शाबाश देने असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ तुसीं बार वक्त और बार मौका जिहड़ा है तुसीं उहनां दा जवाब दित्ता है शाबाश मैं अज नैशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो यह गल तुहानूं दसना चाहना कि कोई अच्छी मिसाल तुसी कायम नहीं कर रहे और यह पहला वाक्य नहीं है कि किसी कौमी इदारे ने जिहड़ा है वह यह बाकायदा लिख के इश्तहार दिता होवे कि जिहड़ा ना सिर्फ मसीही इस तो पहलों भी बल्दिया के लैवल से जिलई लैवल से होर इदारा जी लैवल उत्ते जिहड़ा है वह आम तौर पर आता रहिंदा नॉन मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम ने अगर सफाई लिए एडे अहम ने तो उन्होंने वजीर आजम लाओ ताकि मुल्क चो करप्शन की सफाई करन जिदी वजह ना मुल्क नहीं चल पा रहा अगर इदारा ज अगर तुम समझते हो कि जड़े ने गैर मुस्लिम जड़े ने बड़े बेहतरीन सफाई करने वाले हो सकते हैं तो तुम इन्हों वापडा का हैड लाओ तुम असी मतलब जड़ा है मुल्क साफ करके दईए जी वापडा की करप्शन वो साफ करके दईए
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਪੈਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਔਰ ਆਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਫ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਫ ਇਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਇਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਹੰਮੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਏਬ ਸੱਡਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੋਏਬ ਸੱਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਐਡੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਔਰ ਐਡੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਤਾਸੁਬ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਬੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ IMF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਇਨ ਬਣਾ ਕੇ 56 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ C-130 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਜ਼ੁਰਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਬਸਾਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਲ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨਸ ਮਸੀਹ ਤੋਪਚੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਖੂਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਖਾਰੇਂਗੇ ਰੁਖੇ ਵਰਗੇ ਗੁਲਾਬ, ਹਮਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੇ ਤਹਫਜ਼ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ, ਵੋ ਹਮਨੇ ਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਨੂੰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
और तुसी आज तक सानू समझ रहे हो कि इस तरह जिहड़ा साडा चेयरमैन वापदा रहा है उहदे ते अज तक तुसी करप्शन नहीं साबित कर सके। जिहड़े साडे दाराती हैड रहे ने दारा जाती हैड उन्होंने ते तुसी अज तक कुछ नहीं साबित कर सके। जिहड़े साडे मिनिस्टर्स रहे ने उन्होंने ते तुसी अज तक सियासी लैवल ते भी कुछ नहीं साबित कर सके। तो फिर असीं बेहतरीन लोग हाँ, सब मुल्क साडे हवाले करो, तुसीं आराम नाल मौजा लुट्टो, असीं जिहदा तुहानूं काम ते लाइए उत्थे काम करो। आइंदा वास्ते तमाम हर तरह उन्हें यहो जे जिहड़े मुतासब लोग ने उन्हां वास्ते शटअप कॉल है कि आइंदा कोई भी इस तरह की गुफ्तगू करन दी या इस तरह की कोई हरकत करन दी जिहड़ी है जरूरत ना करे। और फिर एक बारी मतलब बड़ी हंबल रिक्वेस्ट है तमाम हैड्स अगे, खा दारा जाती हैड्स ने, खा वो जिहड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव हैड्स ने, खा प्राइम मिनिस्टर ने, खा प्रेजिडेंट ने, खा फिर तुम कहते हो कि मतलब तुम नवे कानून आए दिन मंगते हो कि मंगिए ना तो और की करिए, जो तुम साढ़े ना करते पे होर की करिए। साड़ी तारीख जी है माइनोरिटीज़ की तारीख जी है वह कुरबानियां नाल और परफॉर्मेंस ना भरी हुई है और करप्शन ना नहीं भरी हुई। चंद मुठ्ठी भर जिहड़े काले दिमाग और काली सोच और मतलब गंदे दिमाग वाले लोग ने उन्हां दी वजह नाल 99% जिहड़े साडे अच्छे लोग ने जिहड़े इस मुल्क नूं चला रहे ने, खाओ वह मुसलमान ने, खाओ किसी भी मजहब तो तलक रखते हैं, तुसीं उन्हां नूं पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा बेइज्जत करांदे हो। मैं शीरी असलम ने एक बार फिर जिहड़ा है शाबाश देना, एक ऐसी गल हुई कि पैसे भी साडे प्रोग्राम ते लगे होण, केक भी साडा होवे, छुरी भी साड़ी होवे, सारा कुछ साड़ा होवे, हैं तो असी नाले इन्हां नूं इज्जत देईए तो नाले इन्हां कोले सुनीए, कोई जरूरत नहीं तुहानूं सानूं इस तरह के लोगों की। अज दी गल नूं इत्थे मुकाने, रब रखा।